तो आगे सच में जो हम बात कर रहे हैं इक्विटास बैंक का फुल केवाईसी कैसे कर सकते हैं हम घर बैठे ही, जैसे कि आपने तो जैसे आपने भी अकाउंट ओपन किया था तो उस टाइम क्या था मिनिमम केवाईसी से आप अकाउंट ओपन कर सकते थे, बट अभी क्या किया इक्विटास बैंक ने जितने भी मिनिमम केवाईसी थे सभी को फुल केवाईसी का फीचर्स अनेबल कर दिया है, यानी आप घर बैठे अपना फुल केवाईसी कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कैसे फुल केवाईसी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इक्विटास एप्लीकेशन जो है ओपन करना पड़ेगा इक्विटास बैंक का। तो मैं अपना यहाँ पे पिन डाल के ओपन कर दे रहा हूँ। जैसे आप अपना पिन डाल के ओपन करेंगे उसके बाद थोड़ी देर वेट कर लेना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना फुल केवाईसी जो है अपग्रेड कर लीजिए। पहले क्या था सब लोग मिनिमम केवाईसी से अकाउंट ओपन किए थे, तो अभी सबको फुल केवाईसी का अथॉरिटी मिल चुका है। तो देख सकते हैं ऐसे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना फुल केवाईसी अगर नहीं करते तो आपको जो मैक्सिमम लिमिट होती है पर डे का जो आप सिर्फ 2,000 यूज कर सकते हैं, और जो आपका ईयरली लिमिट होता है 2 लाख होता है, तो आपको उसमें वो भी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन देख सकते हो आप 300 का ट्रांजेक्शन कर सकते हो हर मंथ में। तो सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, यहाँ के थ्रू आप जाके अपना फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लाइव करके दिखाते हैं आपको। तो सिंपली उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो अपना पैन कार्ड नंबर डाल के उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है प्रोसीड करना रहेगा। जैसे ही प्रोसीड करेंगे या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वापस से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना रहेगा। तो सिंपली मेरा ओटीपी आ जाएगा, हम इसको डाल के नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो आपका आधार कार्ड का जो वीडियो के आईसी के लिए है प्रोसीड किया जा रहा है, आप यहाँ पे वेट कीजिए। तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 12 सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा आप वीडियो के वाई सी किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, इंग्लिश हिंदी तमिल जो भी है आप सेलेक्ट करने के बाद फिर प्रोसीड कीजिए। तो जैसे हम सेलेक्ट कर लिए उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे आपके यहाँ पे अलाउ पूछा जाएगा परमिशन के लिए, साथ ही साथ आपको अपना लोकेशन अगर परमिशन अलाउ करना रहेगा और कैमरा का भी परमिशन अलाउ करना रहेगा, साथ ही साथ माइक का परमिशन अलाउ करना ताकि जो एजेंट आपको बात करे आपकी आवाज़ इसको क्लियर पहुँच जाए। उसके बाद आपको सिंपली ट्राई अगेन करने के बाद जैसे आपको स्टेप बताया जाएगा किस तरह से आप इसको अपना अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको अलाउ नहीं कर सकते तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्टेप बताएगा कि आप कैसे परमिशन अलाउ करना है। तो जैसे आप परमिशन अलाउ कर देंगे उसके बाद पूछेगा कि आपको क्या चेकबुक चाहिए, तो आपको यस या नो पे क्लिक करके यस चाहिए तो यस पे कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके नीचे पूछेगा कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो क्लिक कीजिए। अगर डेबिट कार्ड लेंगे तो आपको 118 रुपये प्लस GST का पे करना रहेगा। तो सिंपली जब मुझे दोनों चाहिए तो आपको यस पे क्लिक करके प्रोसीड करना रहेगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक नोटिस आएगा कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ गुड इंटरनेट होना चाहिए, एंड इसके बाद आपके पास एक वाइट ब्लैक पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना जो वीडियो केवाईसी का टाइम है यहाँ पे दिखा जाएगा, 8 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको परमिशन अलाउ करने के लिए वापस से बुलाएगा, सब परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा। तो जैसे आप सब परमिशन अलाउ कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी, इस पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट वीडियो केवाईसी आप क्लिक करेंगे आपका जो वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखा जाएगा प्लीज़ वेट वी आर कनेक्टिंग टू एन एजेंट, मतलब आपका वेट कीजिए आपको किसी न किसी एजेंट से कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको सिंपली थोड़ी देर तक वेट करना, ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर ही सभी एजेंट कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे केस में क्या था ऑलमोस्ट 30 से 32 सेकंड के अंदर ही एक एजेंट कनेक्ट हो गई थी। तो सिंपली उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उसमें क्या लाइव बात हुई थी वो दिखाते हैं आपको। नीलेश यादव, ओके प्लीज बी रेडी विद अ वाइट पेपर पेन द ओरिजिनल पैन कार्ड। ओके ओके मैम, डू यू हैव इट? हेलो, कैन यू प्लीज वेव योर हैंड लाइक दिस, थैंक यू सो मच सर, एंड कैन यू प्लीज कंफर्म योर एड्रेस, थैंक यू सो मच, एंड कैन यू प्लीज टेल मी योर मदर नेम सर, कैन यू प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, मच कैन यू प्लीज टेल मी योर पैन नंबर, ए यू, thank you so much, and you want a debit card and a checkbook, right? Yeah, okay, now please switch on your back camera and show your pan card. Okay, just hold on, look into the camera, I'll take a photo of you. और उसके बाद आपको यहाँ पे एक साइन करना के लिए बोला जाएगा, आपको लाइव कैमरा पे साइन करना पड़ेगा। I have verified all your details. Within 3 working days, your KYC will be completed. So once it's completed, you will get SMS to your register mobile number, okay. And after validation, your account will be converted to the full KYC account. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much for choosing Kitas Bank, and you guys, have a I great hope day. Video thank you. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।